स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब हम संदीप जांगड़ा की बात करते हैं तो एक सवाल मुझसे किया जाता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये केस उसके खिलाफ चल रहा है। तो जो सबूत है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम FIR भी कहते हैं, वो जो है ऑलरेडी किरण के चैनल पे है। उसका लिंक मैं आज कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में दूंगी। कल वाले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया था, आज मैं कमेंट सेक्शन में दूंगी, जाके पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अब ये मैटर पर्सनल या यूट्यूब तक नहीं सीमित रह गया है। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत करने के केस में ये कथित आरोपी है। और दिल्ली हाई कोर्ट में अगर ये मैटर चल रहा है तो इसका मतलब ये आदमी दिल्ली जाता था इन हियरिंग्स को अटेंड करने के लिए, ना कि वो जो साथ में ये लड़कियां रखता है उनके बाल बनवाने। और आज कड़े शब्दों में मैं इस आदमी की निंदा करूंगी, क्योंकि इसने कल लाइव में आके, जो कि किरण के चैनल पे चल रहा था, वो जो किरण है वो एक यूट्यूबर है जिन्होंने बहुत सारे सच सामने रखे इस फैमिली को लेके, इंक्लूडिंग ये जो FIR की कॉपी है वो भी किरण ने रखी है। और ये संदीप जांगड़ा इतना ज्यादा हड़बड़ा गया है अपनी सच को देख के, अपनी असलियत को देख के, ये इतना डर गया किरण से और उन सब लोगों से जिन्होंने कल लाइव ज्वाइन किया हुआ था, मोस्टली सब लड़कियां थी, कि इस आदमी ने उस लाइव में ज्वाइन करके कमेंट सेक्शन में इसने इतने गंदे, इतने भद्दे कमेंट्स करे, जिसमें रेट, इसने बोला कि रेट बताओ अपने अपने, उन सब लड़कियों को जो लाइव में बात कर रही थी, कि अपने अपने रेट बताओ, मैं पैसे भिजवाता हूँ। ये दूसरों की बेटियों को खरीदने की बात करता है और इनके फैंस कहते हैं कि तुम एक इतने अच्छे इंसान को क्यों उस पे सवाल उठा रहे हो, क्यों कुछ बोल रहे हो। मैं कहती हूँ कि इन शब्दों के साथ जिसने कल लिखे, इसके अलावा इसने गालियाँ भी लिखी हैं कमेंट सेक्शन में, वो भी अपने वेरीफाइड प्रोफाइल से, जिसका सबूत येट अगेन मैं लिंक्स में आपको दे रही हूँ। जाइए, जाके देखिए कि ये आदमी अपनी असलियत रोक नहीं पाया, छुपा नहीं पाया, जाके अपनी वेरीफाइड प्रोफाइल से गालियाँ कमेंट करी, इसके अलावा लड़कियों के रेट पूछे, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। ये कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित कर रहा है कि हो सकता है कि इसने कथित तौर से वो जघन्य अपराध किया हो। He is an alleged accused and I will not be surprised that one day a judgment will come against him that he is guilty. He was found guilty in that case. और उस दिन इसकी जो बीवियां हैं ना, जो बहुत प्राउड करती हैं इस आदमी पे जो गंदी गंदी बातें लिखता है दूसरों की बेटियों के लिए, उस दिन इसकी दोनों बीवियों की आंखें शर्म से झुक जाएंगी। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं पायल के माँ बाप। ये जो इसका पति है, ये किस तरीके का आदमी है, किस तरीके का इंसान है गिरा हुआ, उन्हें भी पता है, इसलिए वो बिल्कुल जरूरी नहीं समझते हैं कोई भी रिश्ता रखना, ना ही अपनी बेटी से, ना ही अपने दामाद से। और वो सारे लोग जो एडवोकेसी करने आए थे कि वो लड़कियां तो सिर्फ गाने शूट करने आती हैं, इसलिए वो नीचे रहती है इस आदमी के साथ, तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगी कि जो आदमी खुलेआम सरेआम लड़कियों के रेट लगा रहा है, वो पर्दे के पीछे क्या होगा, उसकी असलियत क्या होगी। मैं बहुत खुले शब्दों में नहीं बोलती, बिकॉज इसकी तरह हम गिरे हुए नहीं हैं। ये बातें मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरे चैनल पे मैं इस आदमी के हवाले से ये बात रखूंगी, पर अगर सच के लिए आवाज़ उठानी है तो मैं कोई शर्म नहीं करूंगी ये बात बोलने में कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि चल क्या रहा है उस सोसाइटी में, और वो जो सोसाइटी के लोग हैं वो सामने आके इन्वेस्टिगेट करें कि ये नीचे जो घर है, जो इतने सारे घर ये ले रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या गिरोह है ये। मैं तो कह रही हूँ ये हो सकता है कि कोई गिरोह है इसका और इसकी बीवी का, ये कुछ और ही चल रहा है, और एक दिन ये बात सामने ज़रूर आएगी, एंड भगवान करे आए, क्योंकि इतना भी कलयुग नहीं हुआ कि ये सरेआम इस तरीके से लड़कियों के रेट पूछेगा और इस पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, हम तो उठाएंगे, और वक्त से उठानी चाहिए, बिकॉज अभी इसके 3 बेटे हैं सर पे, कल को वो बड़े होंगे तो वो तो रेप्लिका बन जाएंगे, एक संदीप जांगड़ा, दूसरा संदीप जांगड़ा, तीसरा, ये 3-3 संदीप जांगड़ा जो हैं ये तो सोसाइटी को खराब और ख़त्म कर देंगे, अगर उनकी परवरिश इस आदमी ने करी या उन औरतों ने करी जिन्हें सही लगता है घर में आए दिन पराई लड़की का आना या फिर नीचे रह जाना। मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिनका नाम है पायल और कृतिका। और ये आखिरी मैसेज है कृतिका की मदर के लिए कि प्लीज़ आंटी जी, अपनी बेटी टीना की शादी प्लीज़ किसी ऐसे लड़के से मत कराइएगा जो संदीप जांगड़ा के जान पहचान का है। एक दिन कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में उसके घर में भी दूसरी लड़की ले आएंगे, और आए दिन उसके घर में 3-4 लड़कियां आती और जाती रहेंगी, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपकी बड़ी बेटी के घर में आती और जाती हैं। निर्भया के वक्त पे आवाज़ उठाने वाले हर इंसान से मैं कहूंगी कि अगर उस बेटी के लिए दर्द हुआ था तो उस 11 साल की बेटी के लिए भी दिल में दर्द कीजिए, और सवाल करिए इनके हर एक चैनल पे कि क्या ये सच है कि ये केस तुम्हारे खिलाफ हो रखा है। ये मैटर अगर सब ज्यूडिस भी है तो हाँ और ना में इतना तो जवाब ये दे ही सकते हैं।
पर उसके अलावा हर कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, स्पेशली कल के कमेंट के बाद जो कि इसने सरेआम खुलेआम आके एक चैनल पे किया और हर एक लड़की को इसने गलत बोला सिर्फ एक कमेंट करके कि सबके सब अपने रेट बताओ। कल इसने एक रील डाली थी जिसमें इसने कहा था कि पता है दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? पैसा। पर संदीप जांगड़ा, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है वो पैसा नहीं होता, वो इज्जत होती है जो आपके और आपके परिवार के पास रत्ती भर नहीं है। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता, कभी ट्रेन का डिब्बा, कभी रेट, कभी कुछ कहता है, वो आदमी इज्जत के काबिल नहीं है और पैसों से तुम इज्जत कभी खरीद नहीं पाओगे। जितने लोग भी मेरी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जाके उनके चैनल पे कमेंट कीजिए कि कल क्यों इसने लड़कियों को गाली दी और उनके रेट लगाए। ये होता कौन है इस तरीके के गंदे भद्दे शब्द लिखने वाला? आज के लिए इतना ही।